एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरे फैब बैग की अनबॉक्सिंग। एंड ये जो बॉक्स है गाइस, ये इस साल का फर्स्ट एडिशन है, इस साल का फर्स्ट बॉक्स है। ओके, सो इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, बट मैंने देख लिया है, सारे प्रोडक्ट्स मैंने देख लिए। एंड एक जो प्रोडक्ट है गाइस, उसमें आपको शेड चॉइस मिल जाएगी, तो आपको वो पहले ही पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आपको रिसीव होने वाला है। बाकी के प्रोडक्ट्स रैंडम हैं, एंड बाकी के प्रोडक्ट्स जो मुझे रिसीव हुए हैं वो सबको सेम रिसीव होंगे। सिर्फ एक जो मेकअप प्रोडक्ट है उसमें आपको शेड चॉइस मिल जाएगी। सो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो फैबबैग में हर मंथ अनबॉक्सिंग करती हूँ, एंड फैबबैग मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, क्योंकि इसकी प्राइस है ओनली 599 रुपीज़। एंड 599 में गाइस आपको इतने अच्छे अच्छे ब्रांडेड स्टफ्स मिल जाते हैं। एंड देखा जाए तो बॉक्स की प्राइस ओनली 599 है, बट आपको प्रोडक्ट्स हमेशा 1000 1500 2000 तक के मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील होती है, लाइक वर्थ इट होती है। एंड हमारे लिए प्लस रहती है कि हमें वो सारी चीज़ें नॉर्मली हम लोग ऑनलाइन या मार्केट में लेने जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव या फिर एज इट इज़ पेमेंट हमें करना होता है। बट फैबबैग में आपको हर महीने अलग अलग स्टफ्स मिलते हैं, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड, सो आपके जो है बजट में भी रहता है, बजट से भी ज़्यादा लाइक आप फ़ायदे में रहते हैं। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। एंड इसमें अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लाइक एक महीने का लेते हैं, सिर्फ वन मंथ का बॉक्स खरीदते हैं, तो आपको पूरा पेमेंट करना होता है 599 रुपीज़। बट हाँ, अगर आप 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का एडिशन लेते हैं, लाइक 12 मंथ का प्लान लेते हैं, तो बॉक्स की प्राइस बहुत लेस हो जाती है। साथ ही साथ में एक बोनस प्रोडक्ट आपको ज़रूर मिलता है, जो कि 6 मंथ एंड 12 मंथ में होता है। सो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। जाएंगे तो आपको जनवरी मंथ का फर्स्ट एडिशन ही दिखेगा, जो कि 2022 का आपको फर्स्ट एडिशन मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इस मंथ मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, ये जो बॉक्स है आपको कुछ इस तरीके से रिसीव होता है फैब बैग का। एंड फैब बैग में आपको हर महीने एक पाउच रिसीव होता है, तो फर्स्ट हम कार्ड से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मुझे 2 कार्ड्स रिसीव हुए हैं। फर्स्ट है इन माय फैब बैग कॉन्टेस्ट का कार्ड। सो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आपको फर्स्ट फैब बैग को लेना है, परचेज करना है, एंड देन आपको टैग करना है फैब बैग को, तो आपको ये लिपस्टिक जो है ये आपको मिल जाएगी अगर आप इसमें विन होते हैं। ओके, नेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ है इस मंथ का थीम कार्ड। इनका जो थीम है गाइस, वो है द ब्यूटी रेजोल्यूशन जनवरी फैब बैग है, एंड कुछ इस तरीके से देखे तो एकदम स्पार्की काइंड ऑफ है। एंड ये जनवरी मंथ का है, एंड इसमें आपको टोटल रिसीव हो रहे हैं 4 प्रोडक्ट्स। इस मंथ मुझे फर्स्ट रिसीव हुआ है ये पाउच, एंड इस पाउच में आपको कलर ऑप्शन आई थिंक मिल जाएगा। मुझे रिसीव हुआ है ये क्लासी ब्लैक कलर का लेदर काइंड ऑफ पाउच, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक डिसेंट सा पाउच है, एंड कुछ इस तरीके से कलर में भी शायद आपको डिफरेंट रिसीव हो, बट सिंपल सा पाउच, इसमें कुछ ऐसा फैंसी नहीं है। मुझे लगा था मे बी शायद फर्स्ट एडिशन में कुछ अच्छा और पाउच होगा, बट नहीं, फिर भी देखा जाए तो फैब्रिक के जो पाउच है वो मेरे बहुत काम आता है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आते हैं, इसमें बहुत ही लाइक चेंज होते हैं, वो आराम से इसमें रख पाती है, तो ये चीज़ अच्छी रहती है। आप इसमें इजीली लिपस्टिक, आई शेडोज जो होते हैं, सिंगल आई शेडोज, लिपस्टिक हो गए, या फिर आप ब्लश वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है। सो या फर्स्ट मुझे ये रिसीव हुआ है क्लासी ब्लैक कलर, एंड इसमें कलर ऑप्शन में भी शायद आपको रैंडम रिसीव होगा। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है गाइस, ये इस मंथ का स्टार प्रोडक्ट है, एंड इसमें शेड चॉइस आपको मिल जाएगी। मैंने ये वाला जो शेड है ये खुद चूज़ किया है, एंड ये है शुगर की वंडर वुमेन रेंज से, एंड ये है शुगर वंडर वुमेन 24 आवर्स लिप लैकर, एंड इसमें मैंने जो शेड चूज़ किया है वो है 10। एंड कुछ पैकेजिंग इस तरीके की है, इससे पहले भी शुगर की जो वंडर वुमेन बुलेट लिपस्टिक थी वो मुझे रिसीव हुई थी, एंड मैंने उससे पहले शुगर का वंडर वुमेन रेंज ट्राई नहीं किया था, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही क्रीमी सा लिपस्टिक है, जो कि बहुत अच्छा पैकेजिंग गाइस इसकी बहुत क्लासी होती है। सो इस तरीके की आपको पैकेजिंग रिसीव होती है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, तो इसकी प्राइस है 699 रुपीज़, एंड आपको मिल रहा है ये फुल साइज प्रोडक्ट, एंड मैंने जो शेड लिया है वो है मॉव न्यूड, एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक प्यारा कलर लगा मुझे, बहुत ही प्यारा है। एंड ये जो शेड है ये मीडियम टू डस्की स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाएगा, फेयर पे भी बहुत अच्छा लगेगा। पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा फ्रोजन काइंड ऑफ पैकेजिंग है इसकी, सो मुझे अच्छा लगा। एंड इसे ओपन करते हैं, इसे मैंने कल अपने हैंड स्वेच किया था, तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, एंड पूरे दिन मेरे हैंड्स पे था। मैं इसे स्वेच आपको करके बता देती हूँ। कलर गाइस बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सा न्यूड कलर है, मॉवी काइंड ऑफ है, एंड बहुत ही प्यारा है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है,
लाइट आप जब इसे लगाएंगे तो मे भी शायद आपको लास्ट में थोड़ी सी फ्रेगरेंस मिलेगी, बट उतनी ज़्यादा फैंसी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस नहीं है। बट हाँ, मुझे ये लिपस्टिक पसंद आई है एंड इसकी स्टेइंग पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 24 आवर्स ज़्यादा हो सकता है, बट हाँ आप लिप्स पे अगर देखें तो आप बहुत कुछ खाते हैं पीते हैं, तो उस हिसाब से आपके 5 से 6 घंटे से ऊपर रह जाएगी। मैंने लिप्स पे ट्राई नहीं किया था, बट हाँ ये ट्रांसफ़र प्रूफ है क्योंकि अभी मैं इसे स्वेच किया है। अभी जब मैं पूरा वीडियो आप लोगों को दिखा दूँगी तब मैं इसको स्मच करके बताऊँगी। ओके, सो फर्स्ट मुझे ये रिसीव हुआ है एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। इसका शेड भी बहुत प्यारा है, इसमें आपको शेड चॉइस मिल जाएगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ है एक हेयर केयर प्रोडक्ट एंड ये है ब्रांड फ्रॉम कोकोसोल हेयर एंड स्कैल्प क्लेंजर। कोकोसोल का मेरे पास एक बॉडी वॉश है जो कि सेम एज इट इज़ इसी तरीके की पैकेजिंग में है एंड वो मुझे क्लोविया से एक बार मैंने परचेसिंग की थी नाइट वेयर्स के, तब मुझे एज अ सैम्पल गिफ्ट मिला था, तो वो अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ उसे क्योंकि ट्रैवल के टाइम में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाती हूँ इस तरीके की चीज़ें। तो 30 ml ऑफ आपको पैकेजिंग मिल रही है, इसकी प्राइस है 199 rupees एंड ये 100% ऑर्गेनिक है, कोकोनट ऑयल है इसमें, 100% वेगन है एंड नेचुरल प्रोडक्ट है। सो सैम्पल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो ये नेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ है। नेक्स्ट मुझे रिसीव हुआ है ये वाला प्रोडक्ट एंड मैंने इसे ओपन नहीं किया, पता नहीं क्यों, बट मैं इसे ओपन करके आपको बता देती हूँ। एक फुल साइज प्रोडक्ट है ये एंड ओके, अभी ये ओपन हो चुका है। ओके, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। सो ये है पार्मेस नेचुरल फ्यूजन नीम एंड ब्रूटी स्टाई होल्ड। ओके, सो ये एज आई थिंक अगर आप स्टाइलिंग वगैरह करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, सो अगर आप स्टाइलिंग करते हैं तो जब आप कर्ल्स वगैरह बनाते हैं या स्ट्रेट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। सो जब भी आप स्टाइलिंग करते हैं तो हमें हेयर स्प्रे या फिर हेयर क्रीम चाहिए होती है जिससे हमारा जो स्टाइल है वो मेंटेन रहे, कम से कम 4-5 घंटे तक तो रहे, होल्ड करके रखे उस चीज़ को। तो ये वही है एंड ये है मीडियम फ्रेम के लिए एंड साथ ही साथ में ह्यूमिडिटी रेजिडेंट होल्ड है। बारिश के टाइम पर या पसीना बहुत आ रहा है तब बाल ख़राब हो जाते हैं तो उसको भी ये होल्ड करके रखेगा। सो ये चीज़ अच्छी है। ओके, ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है एंड इसमें मिनरल ऑयल का यूज़ नहीं किया गया है, ग्लूटेन फ्री है, सो नेचुरल है। पार्मेस के से पहले मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं क्योंकि फैबैग में ही मुझे रिसीव होते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर एंड साथ ही साथ में जो है बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सो अच्छा रहता है। ये है 350 ml पैकेजिंग एंड इसकी प्राइस की बात करूँ गाइस तो इसकी प्राइस है 780 rupees। ओके, ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज प्रोडक्ट है, बट इसको मैं ओपन करके थोड़ा सा पाम कर लेती हूँ। ये थोड़ा रनी है। ओके, मेरे को पता नहीं था इतना रनी है, बट ये आप हेयर पे अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा रनी तो चाहिए होगा, बट मुझे लगा मे बी शायद थोड़ी क्रीम होगी। इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, इसकी फ्रेगरेंस सीरियसली गाइस बहुत अच्छी है एंड आप नॉर्मली इसे स्टाइलिंग की तरह यूज़ कीजिए, जो कि मैंने बिल्कुल अभी स्टाइलिंग वगैरह तो की नहीं है तो मैं क्या स्टाइलिंग होल्ड करवाऊँ पता नहीं, बट हाँ अपने बालों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बालों से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बट हाँ, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है, मुझे समझ में नहीं आया था, बट अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ होनी चाहिए थी थोड़ी सी रनी। सो या नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। ओके, सो ये मुझे रिसीव हुआ है नरिशिंग लिप ऑयल फ्रॉम बेजर इंडिया लग्जरी ब्यूटी एंड इसमें 10 ml ऑफ प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। इसकी प्राइस है गाइस 349 rupees। इसमें आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है 2 साल की, 3 साल की मिलती है, बट 2021 से जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो वो तो गई, सो 2 साल अभी बाकी है, 23rd में ये एक्सपायर होगा। सो इसको ओपन करते हैं, सेम पैकेजिंग है, आई थिंक लिप ऑयल एंड आईब्रो ऑयल दोनों की सेम पैकेजिंग है, इसी तरीके की ग्लास रोल ऑन है। वाह, उसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी टेस्टी फ्रेगरेंस है, ऐसा लग रहा बबल गम है, बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू है। अगर आपको बबल गम फ्रेगरेंस अच्छी नहीं लगती तो मे बी शायद आपको पसंद ना आए, बट हाँ पैकेजिंग ऐसी है कि आप इसे लेके इजीली ट्रैवल कर सकते हैं एंड मैंने अभी जो ये हेयर स्टाइलिंग होल्ड यूज़ किया है हाथों पे, बालों पे नहीं, बट ये ना थोड़ा सा स्टिक है, लाइक आप मैंने इसे हाथ पे लिया ना तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है स्टिक करेगा सच में आपके बालों को, बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेगा, स्टिकी नहीं बनाएगा बट हाँ बहुत अच्छे से होल्ड करेगा क्योंकि मेरे हाथ भी थोड़े से यूं लाइक ऐसा लग रहा है टाइट हो रहे हैं। सो मुझे अच्छा लगा, मैं इसे डेफिनेटली ट्राई करूँगी अगर मैं स्टाइलिंग करूँगी तो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, मोस्टली मैं इस चीज़ को बहुत स्किप करती हूँ। सो ये लास्ट प्रोडक्ट था जो कि लिप ऑयल है। सो ये इस मंथ आपको 4 प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं। अभी मैं आपको ये लिपस्टिक स्मच करके बता देती हूँ क्योंकि ये इस तरीके से मैंने अच्छे से स्मच किया एंड आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं,
सो ये स्मच प्रूफ है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।